आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ग्राम भातोड़ में 80% ग्रामीण बीमार, पंचायत नहीं दे रही ध्यान, स्वास्थ्य विभाग ने किया मरीजों का परीक्षण। सनावद, प्रदेश की सरकार ऊपरी स्तर पर जरूर विकास होने की बात करती है, लेकिन ग्राम की जिम्मेदार पंचायत और उसमें बैठे जनप्रतिनिधि जब अनदेखा करे तो ना ग्राम का विकास होगा ना ग्रामीणों की समस्या का समाधान। ऐसे ही ग्राम डालिया खेड़ी पंचायत ग्राम भातुड़ की आधी से ज्यादा आबादी बीमार है। बीमार होने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग बड़वाहा और खरगोन से टीम आकर वहां पर लार्वा एकत्र कर रही है। ग्रामीणों की माने तो ग्राम की जिम्मेदार पंचायत में ग्रामीणों की समस्या के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया, ग्राम में करीब 600 लोग निवासरत हैं, जिसमें 400 लोग बच्चे, बूढ़े और महिलाएं शामिल हैं। सब बीमार होकर बिस्तर पर हैं। वहीं ग्राम में 2 हैंडपंप हैं, लेकिन हैंडपंप सहित ग्राम में पानी की निकासी नहीं। साथ ही असमय बारिश हो रही है, जिससे ग्राम में जगह जगह मच्छर पनप रहे हैं, जिनसे बीमारी होने का डर है। साथ ही ना ही ग्राम में सड़कें हैं, ना ही ग्राम में लाइट के इंतजाम, जिस कारण रात के समय भी ग्रामीण अंधेरे में जीवन काटने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि नल की सुविधा नहीं होने के कारण जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इस संबंध में भी पंचायत को जानकारी दी थी, लेकिन पंचायत द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों की माने तो ये समस्या विगत 5 सालों से बनी हुई है, लेकिन इसका कोई ठोस निराकरण नहीं हुआ। वहीं अब हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहीं सोमवार को खरगोन से मलेरिया विभाग की टीम ने आकर ग्राम में लार्वा ढूंढने के साथ मरीजों का परीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के BMO डॉक्टर राजेंद्र मेमरोट ने बताया कि ग्राम से मिली सूचना के बाद लगातार मरीजों का उपचार कर दवा वितरण किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को घर के आसपास गंदगी उत्पन्न ना हो, इस बात के सख्त निर्देश दिए गए। पंचायत सचिव तुलसीराम पटेल ने बताया कि लार्वा मिलने के बाद अब ग्रामीणों को गंदगी ना फैले इसकी जानकारी देंगे। साथ ही ग्राम में सफाई करवाकर नाली निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही जगह जगह कूड़े के ढेर हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। क्या गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं? किस कारण से बीमार पड़ रहे हैं? सर बुखार आता है, डेंगू ऐसे लक्षण पाए। कितने लोग बीमार है गांव में? ये 80% सर। किस कारण ये समस्या है? सर गंदगी का कारण। पंचायत में बोला कुछ? बोला है पर कुछ सुनवाई नहीं करते। अभी स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग भी नहीं आता, इलाज कराने जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र बेड़िया में, वो और वापस बुखार आ जाता है। क्या नाम है आपका? धन्नालाल। ग्राम भाकुड़ में 80% आबादी डेंगू से पीड़ित है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस सूचना के बाद लगातार ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहा है। वहीं देखने वाली बात है कि गांव में असमय हो रही बारिश और पंचायत द्वारा उचित व्यवस्था नहीं होने से पानी निकासी की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद नागरिक मच्छर और उनसे होने वाली परेशानियों से पीड़ित है। वहीं गाँव की 80% आबादी बीमार होकर अब इलाज के लिए उपचाररत है। वहीं देखने वाली बात है कि जहां प्रदेश की सरकार नागरिकों की सुरक्षा की बात कर रही है, वहीं ग्रामीण स्तर पर होने वाली सुविधाओं को लेकर आज भी ग्रामीण वंचित।